टाइम रहते अगर कोई भी गलती सुधार ली जाए ना भाई, बहुत सही होता है। और ना टाइम की कीमत पता चल जाती है कि हाँ टाइम बहुत जरूरी है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस तो शेयर करना बनता है। जैसा कि तुम लोग जानते हो, कुछ दिन पहले मैंने विंडोज 11 प्रो में अपग्रेड कर लिया था। विंडोज 11 का बीटा प्रीव्यू रिलीज हुआ है, जिसको बीटा बिल्ड भी बोलते हैं। इससे पहले जो डेवलपर बिल्ड था सिर्फ वही अवेलेबल था। इवन माइक्रोसॉफ्ट ने भी ये क्लियर कर दिया था कि जो डेवलपर बिल्ड है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, लेकिन जो बीटा बिल्ड है वो एज कंपेयर टू डेवलपर बिल्ड ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन उसमें भी थोड़े बहुत बग्स हो सकते हैं। तो मैंने सोचा यार कि हाँ चलो, थोड़े बहुत बग्स तो विंडोज 10 में भी कहीं ना कहीं मिलते ही रहते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं विंडोज 11 में अपग्रेड कर ही लेता हूँ। टाइम आ चुका है मैं भी कुछ नई चीज ट्राई करूं। और नई चीज ट्राई करने के चक्कर में मैंने विंडोज 11 इंस्टॉल करी और मुझे विंडोज 11 प्रो मिली, बिकॉज मेरी जो विंडोज 10 है वो भी प्रो है। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। जस्ट एक अपडेट आती है, आप अपडेट कर लेते हो, कोई डेटा नहीं आपके पीसी से उठता, आपको विंडोज कुछ एक्टिवेट दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो मैंने विंडोज 11 इंस्टॉल कर ली और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। विंडोज काफी अच्छी चल रही थी, मुझे गेम्स में भी कुछ नेगेटिव परफॉर्मेंस इम्पैक्ट पड़ता दिखाई नहीं दिया, मतलब सब कुछ स्मूथ चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते गए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मैं फेस करता रहता। सबसे कॉमन जो थी वो थी राइट क्लिक की प्रॉब्लम। तो जब भी मैं किसी भी प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करता या कभी डिस्प्ले के ऊपर ऐसे ही राइट क्लिक करता, तो वो जो विंडो ओपन होती है ना, जहां पर आपके टास्क लिस्टेड होते हैं, वो विंडो एक सेकंड में गायब हो जाती। ऑब्वियसली मेरे माउस में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब डबल क्लिक की इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मुझे लगा शायद कि ये उसकी वजह से ना हो रहा हो। तो इस प्रॉब्लम को मैंने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया और आई थिंक वो मेरी सबसे बड़ी गलती होगी कि यार मैंने इस प्रॉब्लम को इग्नोर किया, बिकॉज आगे चल के ना उसने काफी ज्यादा ट्रबल दिए। मुझे फाइल रीनेम करने में काफी ज्यादा मुश्किल आई, मुझे न्यू फोल्डर बनाने में काफी ज्यादा मुश्किल आई। इसके साथ ही कुछ ऐसे बग्स आते जहां पर मेरा एकदम से या तो हाई रैम यूजेज दिखाने लग जाता या फिर हाई सीपीयू यूजेज दिखाने लग जाता, और उसके चलते हुए कुछ एप्लीकेशन बंद हो जाती। और ऐसा ही कल रात की लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ हुआ। तो स्ट्रीमिंग के लिए मैं एनवेंक यूज करता हूं, जो कि एक जीपीयू बेस्ड एनकोडर है, और उसकी वजह से जो सीपीयू पर लोड होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, मतलब नेगलिजिबल लोड ही कह लो कि सीपीयू पर पड़ता है। लेकिन फिर भी कल रात की लाइव स्ट्रीम में, इवन दो मैं एनवेंक यूज कर रहा था एज एन एनकोडर, फिर भी जो मेरा सीपीयू यूजेज था वो 100% पर था। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो चुका है। मेरा एंटीवायरस अपडेट होना बंद हो गया, स्टीम ओपन ही नहीं हो रहा था और मैं बार बार ट्राई कर रहा था। सो इसका सोल्यूशन क्या है? ऑब्वियसली बात है, रोल बैक एक फाइनल सोल्यूशन है। अगर आप रोल बैक टाइम रहते हुए नहीं करते तो मे बी काफी ज्यादा लेट हो सकते हो। इसका टाइम है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टाइम कितना है? सिर्फ 10 दिन का टाइम है, और इसके बारे में आई थिंक काफी लोगों को पता नहीं है कि अगर आपको रोल बैक करना हो तो सिर्फ आपके पास 10 दिन है, और ये चीज इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको जो विंडो है वो पूरी की पूरी रीइंस्टॉल करनी पड़ेगी। आपको विंडोज मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां जाकर ये विंडो डाउनलोड करनी पड़ेगी, मतलब वो चीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने अभी विंडोज 11 बीटा प्रोग्राम में एंट्री करी है और आपको भी ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आई थिंक आपको भी रोल बैक कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम है। 10 दिन निकलने के बाद आप दोबारा से रोल बैक नहीं कर पाओगे। मैंने दोबारा से विंडोज 10 कर ली है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ऐसा ही चलने दो, क्यों कुल्हाड़ी पर पैर मारना। तो ठीक है, विंडोज 10 है, बेस्ट है, जब तक चलती है चलने दो। खैर, आप लोगों का विंडोज 11 का एक्सपीरियंस कैसा है? क्या आपका अच्छा है, क्या आपका बुरा है? मेक श्योर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।